17 जुलाई पाकुड़ जो बहुत इंटीरियर में है झारखंड के, वहाँ आदिवासियों के एक विशाल जनसभा को बोलने मुझे जाना था। उससे पहले ही मेरे ऊपर जो जानलेवा आक्रमण हुआ, बीजेपी के तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस वालों ने जिस तरह मुझे बुरी तरीके से पकड़ करके मारा, पीटा, कुचला और मुझे लग रहा था कि मैं अब जिंदा बचूंगा नहीं, ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन की रक्षा हुई। आज 25 दिन के बाद मैं आप सब लोगों को, जिन्होंने उस अटैक के बाद, उस हमले के बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए और लोगों ने मांग की कि इन दुष्टों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और साथ ही उनको कठोर सजा मिले, इसके साथ ही आप लोगों ने संवेदना जताई, सॉलिडेरिटी व्यक्त की, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बता नहीं सकता इस प्रकार का जो समर्थन मिला हमें हमारे काम के लिए, किस प्रकार से हम गरीब से गरीब, दलित, आदिवासी, शोषित लोगों की आवाज़ उठाते रहे। आज 50 साल के लगभग होने जा रहे हैं हमारी ज़िंदगी के, 80वें साल में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं और उस समय अचानक इस प्रकार का हमला होगा, मुझे इसकी बिल्कुल सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो उनको बुला रहा था अंदर बैठ करके, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्कान होटल में पाकुड़ के अंदर, कि वहाँ आ जाओ, किसी को कोई बात करनी है तो आओ, सवाल करो, मुझसे कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन कोई नहीं आया, वो जानबूझ करके केवल और केवल हमला करने के लिए तैयार होकर आए थे। मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार ने और यहाँ दिल्ली की सरकार ने उनको इस काम सौंप करके और लगाया था, क्योंकि जब झारखंड के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी और पाकुड़ जिले का प्रशासन बोल रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी आपके आने की, तो इन 100-150 नौजवानों को कैसे जानकारी हो गई कि ठीक उसी जगह जहां पर वो बाहर इकट्ठे थे उसकी के अंदर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ठीक इतने बजे मैं बाहर निकलूंगा और उन्होंने हमला करना है। ये सारी चीज़ें जैसे कोई तयशुदा एजेंडा के अंतर्गत हुई है। मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और पार्टी के प्रमुख बीजेपी के अमित शाह से लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से लेकर और मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास से लेकर सबका हाथ है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे कोई भी कारण बताए बगैर और इस प्रकार का गैर कानूनी हमला हुए, 25 दिन हो चुके, आज तक एक भी दोषी अपराधी जिसका नाम वहाँ पर FIR में दर्ज है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। 8 लोगों के नामजद और 92 लोगों के बिना नाम का FIR दर्ज हुआ है। संगीन धाराएं लगाई हैं पुलिस ने वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद कोई भी गिरफ्तारी आज 25 दिनों तक न होना इस संदेह की पुष्टि करता है कि ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में हुआ है, सरकार की तरफ से इसको प्रोत्साहन दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कुछ होगा। ये जांच की बात भी जो कर रही है सरकार, वो धोखा है, सब कुछ छोड़ दिया गया, खुलेआम घूम रहे हैं बेखौफ होकर के। झारखंड की विधानसभा में इतना बड़ा हंगामा हुआ, 2 दिन तक लगातार हेमंत सोरेन जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने और हमारे सुबोध कांत साहब, सभी पार्टी के लोगों ने मिल करके CPI CPM सब ने हंगामा किया, लेकिन कोई असर उनका नहीं होने जा रहा है। मैं 25 अगस्त को फिर जा रहा हूँ दोबारा रांची और मैं चाहूँगा कि पूरे देश के जितने लोग आ सकें रांची, 11 बजे हम वहाँ से एक यात्रा लेकर के चलेंगे और वहाँ पर सारे देश के प्रमुख बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं और जो इस प्रकार के हमले की निंदा करना चाहते हैं वो सब लोग आएंगे। मुझे आपसे भी अनुरोध है कि जितना हो सके रांची आइए 25 अगस्त को और हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में जो आंदोलन हुआ एक तरह से उभार आया, देश के बाहर भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई जगहों से मुझे समाचार मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका वहाँ से भी समाचार मिले मुझे, इससे ताकत तो मिली है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से शायद मैं नहीं कर पाया, चलिए माफ़ी दीजिए और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसे एकजुटता के बल पर ही
हम घिनौनी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे और लड़कर के जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।